तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज माँ शीतला धाम में देव दिवाली को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं भी पहुँचा था समय से, मज़ा आ गया। तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए काफ़ी शानदार सजावटी है। ये अब ट्रेलर था, आप ट्रेलर देखें, इसके बाद देखेंगे पिक्चर तो बाकी है भाई। वाओ नाइस, बहुत जबरदस्त। कुछ घर के काम थे जिस समय धान की कटाई चल रही है, कटाई चल रही है, उसको थोड़ा सा पूरा करके आज मैं जाने वाला हूँ बात इतना था। और धूप भी थोड़ी तगड़ी है आज, तो इसको कंप्लीट करने के बाद चलेंगे माँ शीतला धाम। और ये बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। चल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा ब्लॉग युशी। आज है देव दिवाली, तो मैं जा रहा हूँ अपने शीतला माता धाम। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए चलते हैं शीतला धाम। बाकी मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ माँ शीतला धाम का रोड मैप। तो प्लीज़ आप लोग रोड मैप को आप चेक कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला में यानी कि माता पोखरा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, माँ शीतला नाम से प्रसिद्ध है, आप उसे सर्च कर लेंगे। और ये देखिए माँ शीतला धाम में काफ़ी शानदार सजावट, वाव नाइस, रंगोली बनाया जा रहा है यहाँ पे। रंगोली का जो यहाँ पे प्रतियोगिता भी होता है, तो इस बार काफ़ी शानदार बनाया जा रहा है। आपको रंगोली में दिखाने की कोशिश भी करूँगा। और ये देखिए रंगोली, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। वाव नाइस, क्या बात है यार भाई। और ये काफ़ी मुझे शानदार लगा। और ये देखिए श्री ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, जय हो गणेश भगवान। कितना अच्छा लग रहा है, मस्त हारमोनिया लेके बैठे हुए हैं, पैं पैं बजा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे माँ शीतला धाम का दरबार, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। और ये देखिए शीतला जी का रंगोली बनाया हुआ था, काफ़ी शानदार और अच्छा सजावट। ये भाई मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, एकदम गोल्ड, वाव एकदम नाइस शांत। ये गोल्ड वाला कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी शानदार लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर मैं वापस अपने घर आया था। अब मैं नाइट के समय यानी रात के समय रिटर्न फिर वापस मैं जा रहा हूँ माँ शीतला धाम, केवल आपके लिए और खुद के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बाइक को थोड़ी सी स्पीड देते हैं और आगे चलते हैं। फिलहाल तो मैं मिर्जादीपुरा में हूँ, काफ़ी भीड़ है और बड़ी चहल पहल है आज देव दीपावली के लिए। देव दीपावली तो 8 तारीख को था, लेकिन 7 तारीख को ही मनाने का सभी लोग प्लानिंग किए हैं या योजना बनाई गई है। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण हो जाएगा, इसलिए 7 तारीख को मनाया जा रहा है। बहुतों को पता नहीं था, इसलिए थोड़ी सी जनसंख्या में गिरावट है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है भाई, बहुत। और ये देखिए मैं शीतला माता मोड़ पर हूँ इस समय, माता पोखरा मोड़ पे हूँ, जो देखिए काफ़ी भीड़। और मैं क्या बोलूँ, और अब मुझे जुखाम भी हो गया है, और ये जुखाम वाला टाइम भी चल रहा है, क्या करें, सूँ सा किए हुए हैं। और ये गुब्बारा मुझे काफ़ी शानदार लग रहा था, इसको भी वीडियो में कैप्चर किया। और मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये काफ़ी झुंड यानी अभी आना लोगों को जो है कि आरंभ हो गया है, अब लोग आ रहे हैं, वैसे काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे संख्या लाखों की क्या लाख टच कर देंगे, ऐसा कह सकते हो। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चारों तरफ भारी भीड़ है। वाव, मैच यानी कि खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। और माँ लक्ष्मी की आरती, सॉरी माँ गंगा जी की आरती हो रही है, महाआरती इसको कहा गया है। तो आपने देखा हमारा रियल इमेज जो काफी समझ में, चलिए छोड़ी यहाँ पे, ये देखिए लाइट क्या सजावट है, जो इस तरह का जो लाइट है, जिस तरह का ये मतलब प्रकाश यानी कि लाइट का जो लंबी जो प्रकाश पड़ रही है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, नदी जैसे लग रहा है कि काफ़ी शानदार सजाया गया है, और नीचे ऊपर दोनों। लेकिन ये जो है कि बड़ी पोखरा यानी गांव में पोखरा बोलते हैं, इसे तालाब कहेंगे हम। देखिए ऊपर नीचे कितना शानदार दिख रहा है। और ये था मासीतला धाम का देव दीपावली, और काफ़ी शानदार तरीके से और धूमधाम से मनाया गया, काफ़ी ढंग के तरीके से सजाया गया था, काफ़ी शानदार, बहुत अच्छा। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम था। यहाँ पे मुख्य अतिथि थे हमारे इस समय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, जो हमारे गांव के जस्ट बगल के कांजा खुर्द के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये देखिए, और उन जो है कि विशेष अतिथि के रूप में आए हुए थे हमारे डीएम साहब, और समस्त लोग आए थे जो अच्छे। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, मैं इसमें क्या तारीफ करूँगा, आप लोग खुद देखिए कितना ज़बरदस्त। और लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और मुझे ये सजावटें काफ़ी मनमोहक लग रही हैं, आकर्षक लग रही हैं, मुझे अपनी ओर खींच रही है। लगा लिया है मैंने दिल तुमसे, मैं इसको गा नहीं पाया हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा। से सनम काफी शानदार लग रहा है, मजा आ गया। अरे बीच में फुहारा भी था कलर वाला, वो चालू करने के लिए ये आदेश दिया गया था, लेकिन नहीं चालू हुआ, शायद कुछ गड़बड़ी है इसीलिए, नहीं तो और शानदार हो जाता, चांद चांद लग जाता, गजब जबरदस्त लगता है। इसे लगता कि हम आ गए हैं दुबई। और लेकिन ये तो मानना पड़ेगा भाई, हमारे मऊ के माँ शीतला धाम के जितने भी कार्यकर्ता हैं या के वो व्यवस्थापक हैं, वो हर साल की बात ही, इस साल भी काफी शानदार सजावट और धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, और काफी
तो अब मतलब बेहतरीन और काफ़ी अच्छा होते हुए साबित नज़र आ रहा है। और ये देखिए, पटाखों की आवाज़, बहुत सुंदर प्रदर्शन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट में आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और आप लोग मऊ आए, मैं ये तो कहना नहीं भूलता हूँ, मऊ आए या मऊ में रहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ की पर्यावरण, यहाँ की माहौल, यहाँ के मेले का आनंद जरूर लें, पूरा भरपूर मात्रा में लें, काफ़ी मज़ा आ जाएगा कसम से। ये लाइटिंग मुझे तो अपनी तरफ करीब खींच रही है, करीब खींच रही है। यहाँ की वही हालांकि देखा सेल्फी में मेरे वाले, चल गए टेस्ट और मैं भी अपने साथ कुछ। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी माइक में बोले था वर्षा बिटिया नाम करके, वो लड़की फर्स्ट रैंक पे आई थी, मैं दिखा नहीं पाया इसलिए कि मैं कुछ साइड पर था, वहाँ से सुना हो तो आपको बता रहा हूँ। तो इतना मान लीजिए कि कोई वर्षा बिटिया थी, यानी कि वो कह रहे थे वर्षा बिटिया जो है कि फर्स्ट रैंक आई हुई, ताली बजाइए हमारी तरफ से उनके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय हो शीतला मैया, ये उनका लगा हुआ दरबार, काफ़ी भीड़ है, आप देख रहे हैं दीपक जलाए गए हैं 11,000। तो ये था मिष्ठान, आप देख रहे हैं।